अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आलिया अख्तर और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे पनीर पुलाव कहते हैं। तो देखते हैं पनीर पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। पनीर पुलाव बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बासमती राइस लिया है लंबे दाने की, 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, जिसकी क्यूब्स कट करके मैंने रिफाइंड ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया है, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये कुछ खड़े गरम मसाले लिए मैंने, जिसमें सिया जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज पत्ते के कुछ टुकड़े हैं, नमक लिया है मैंने जिसे मैं स्वाद अनुसार यूज़ करूँगी, 1/2 टीस्पून गुलमिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 2 बड़ी प्याज लिया है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है मैंने, ये घी लिया है और ये फूड कलर लिया है जो ऑप्शनल है। आइए देखते हैं पनीर पुलाव बनाने के प्रोसेस में हम किस तरह। तो सबसे पहले मैंने एक पतीला चढ़ाया है, गैस के नॉब को ऑन कर लिया है और 4 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है इसमें। अब मैं इसमें घी ट्रांसफर करूँगी। घी ऑप्शनल है इससे, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव का। घी हमारे मेल्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें अपने प्याज डालूंगी और इसे लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगी कि प्याज को थोड़ा सा साइड करूँगी और इसमें से लगभग आधे प्याज मैं निकाल लूँगी, जिसे मैं गार्निश के वक्त यूज़ करूँगी। अभी प्याज तेल में मैं अपने ये खड़े गरम मसाले डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और फ्लेम लो ही रखूंगी, अच्छे से मिक्स करेंगे, गरम मसाला पाउडर डालूंगी, गोल मिर्च पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब इसे लो फ्लेम पे थोड़ा भूनूंगी मसाले को। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब गैस के फ्लेम को मैं लो करते हुए अपने चावल डालूंगी। चावल को मैंने 2 घंटा पहले पानी में डाल के अच्छे से क्लीन किया था, उसके बाद इसे फुला के रखा हुआ था। चावल भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ये हरी मिर्च डालूंगी और साथ ही साथ में ये नमक डाल दूंगी। नमक हम स्वाद अनुसार यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा और चावल मेरा भुनाएगा। चावल हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। जिस बर्तन से मैंने चावल लिया था जस्ट उसका डबल गरम पानी डालूंगी, तब हमारे चावल गीले नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट उतरेंगे। ये देखिए पानी मैंने डाल लिया है, अब इसे हाई फ्लेम पर मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दूंगी। देखते हैं हमारे चावल रेडी हुए कि नहीं। माशाल्लाह हमारे चावल तो बहुत बेहतरीन तैयार हुए हैं, एकदम खिले खिले से। अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दूंगी। फूड कलर डालूंगी, फूड कलर ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी। और ये जो फ्राइड ऑनियंस थे इसे मैं थोड़ा डालूंगी। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, अब इसे ढककर मैं छोड़ दूंगी। 15 मिनट्स के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पनीर पुलाव एकदम रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे फ्राइड ऑनियन से गार्निश किया है। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक फिर नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।